हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास हरमन। और आज की इस वीडियो में हम शमिता शेट्टी की हेल्थ अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शमिता शेट्टी फिलहाल बिग बॉस 15 के घर से बाहर है ड्यू टू मेडिकल रीजंस। अब काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि शमिता शेट्टी की री एंट्री कब होगी, या फिर उसकी री एंट्री रियलिटी में होने भी वाली है, या फिर वो भी राकेश की तरह बिग बॉस 15 को क्विट करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिलेटेड हमारे पास एक अपडेट है। जैसे कि आप यहाँ पे शमिता की मदर का ट्वीट देख सकते हो कि शमिता बिल्कुल ठीक है, उसके कुछ मेडिकल टेस्ट होने थे इसलिए वो बिग बॉस 15 के घर से बाहर आई थी, और बहुत ही जल्द वो बिग बॉस 15 के घर में दोबारा एंटर हो जाएंगी। एज पर रिपोर्ट्स, शमिता शेट्टी इस वीकेंड के वार एपिसोड में ही री एंटर होंगी। लेकिन इसके रिलेटेड एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही है। द रियल खबरी, जिसको कि आप जानती होगे, ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा अकाउंट है, उसने ये ट्वीट किया है कि शमिता शेट्टी को बिग बॉस 15 के घर से बाहर इसलिए लेके जाया गया था बिकॉज बिग बॉस 15 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और शमिता शेट्टी उसको अवॉइड करना चाहते थे। तो आपकी क्या राय है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर कि क्या शमिता शेट्टी को रियलिटी में इसलिए बिग बॉस 15 से बाहर लेके जाया गया था सो डेट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना फेस करे ड्यू टू राज कुंद्रा इशू, या फिर काफी लोग कह रहे हैं कि शमिता शेट्टी को फेवर किया जा रहा है इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं करना चाहती थी। आपकी क्या राय है? आपके अकॉर्डिंग क्या रियलिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए वो बिग बॉस 15 से बाहर आई थी, या फिर उनके रियलिटी में ही कुछ मेडिकल इश्यूज थे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ऐसी और भी न्यूज जानने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल बिंदास हरमन को सब्सक्राइब कर दो।